दिनों पूर्व ईडी के कार्यालय के सामने नागपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस समय कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले समेत बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने नागपुर के गिट्टी खदान थाने में बयान दर्ज कर शेख हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। और आज 16 जून को शेख हुसैन को गिट्टी खदान थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस समय कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता गिट्टी खदान पुलिस थाने के बाहर उपस्थित थे। शेख हुसैन को बेल दी गई है, जिस पर कांग्रेस के आमदार विकास ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। घटने मध्ये ते वक्तव्य बोलले होते त्या संदर्भात बोला असेल, पण मला वाटतं एवढं काही अर्जन्सी नव्हती, कारण की नागपूर शहरामध्ये मोक्याचे अनेक आरोपी ज्यांनी क्राईम केलेले असे अनेक आरोपी फरार आहे, त्यांच्यावर पोलिसांकडून कारवाई होत नाही। आणि जर एका राजकीय व्यक्तीबद्दल कोणी बोललं असेल तर तुरंत त्यांना बोलवण्यात येते। तर मला वाटते की हा भेदभावपूर्ण पक्षपाती निर्णय पोलिसांचा होता, या संदर्भात आम्ही आयुक्तांशी चर्चा करणार आहोत।